हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल द बूजीज। तो हम कर रहे हैं कन्याकुमारी का सफ़र और मैंने आपको दिखा दिया है डे वन, जिसमें हम लोग गए थे पद्मनाभपुरम पैलेस और स्वामी वेंकटेश्वर टेंपल। तो आज है डे टू और आज हम जाने वाले हैं कन्याकुमारी के सबसे फेमस जगह स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और उसके लिए मैं तैयार हुई हूँ एकदम एथनिक पहनकर। मैं लेकर नहीं आई थी, मैंने ये साड़ी कन्याकुमारी से ही खरीदी है। इट वॉज ओनली फॉर 100 रुपीज़, कैन यू बिलीव इट। तो इतनी सुंदर सी साड़ी मैंने पहनी है जीन्स और टॉप के ऊपर फोटोज लेने के लिए। अब हम जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। मिस्टर गोंजालेस स्पीकिंग, डोसा अगेन एंड आई कांट ईट नॉन ये साउथ इंडियन। तो मेरे लिए आ रहा है चना और पूरी। सो ये है मेरे चना और पूरी, जो कि छोले भटूरे की तरह दिख रहे थे बट टेस्ट करने में एकदम अलग थे। तो यहाँ पे ऐसा ना, कन्याकुमारी में जो नॉर्थ इंडियन भी है वो भी साउथ इंडियन की तरह ही टेस्ट करता है। सो और इनका एकदम ऑरेंज कलर था एंड ऐसा लग रहा था सांभर के मसाले में छोले बने हैं। एनीवेज, हम लोग जल्दी से खाना खा के हम निकल गए शॉपिंग के लिए। बट इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था जल्दी से हम लोग बस फेरी तक अपने पहुँच जाए और थोड़ी सी कहीं से ठंडी हवा आ जाए। सो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक जाने के लिए आपको फेरी तक जाना पड़ेगा। फेरी से आप लोग जाते हो रॉक मेमोरियल वहाँ पर। तो हम उसके टिकट काउंटर को अभी फ़िलहाल ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरा जो होम स्टे था वो एकदम पास में था, तो हमारे लिए वॉकिंग डिस्टेंस था। अगर आप थोड़ा सा दूर रह रहे हैं तो आप ऑटो करके फेरी तक आ सकते हैं एंड वहाँ से टिकट ले लीजिए। सो ये जो गर्मी है, आपको ये गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी। सो हम लोग वॉक करते करते पहुँच गए फाइनली अपने फेरी के टिकट काउंटर तक। सो फिलहाल कन्याकुमारी में फेरी का जो टिकट है दैट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन। बट ये जो अंदर आपको ये पूरी की पूरी भीड़ दिख रही है, ये सारी की सारी लाइन में खड़ी हुई है फेरी तक जाने के लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमारी हिम्मत नहीं थी वेट करने की, तो हमने VIP वाला टिकट ले लिया विच कॉस्टेड अस 200 पर पर्सन। तो 600 रुपये में हम लोग जा रहे हैं अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने के लिए। तो 5 से 7 मिनट लगते हैं आपको फेरी से रॉक मेमोरियल तक आने में। और ये जो आपको स्टैचू सामने दिख रहा है, ये है थिरुवल्लुवर स्टैचू। तमिल के बहुत ही फेमस एक पोएट थे, फिलोसोफर थे, जिनके ऊपर ये स्टैचू बनाया गया है। वैसे यूजुअली ये खुला होता है बट हमारे टाइम पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन था तो हमारा जाना अलाउड नहीं था। तो मैंने पता किया कि यही जो फेरी है इसी से आप इस स्टैचू में जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ये फेरी यहाँ पर रुकती है और उसके बाद में ये रॉक मेमोरियल के लिए जाती है। तो ये हम आ गए हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल और यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले लेना पड़ता है टिकट। तो टिकट वाज आई गेस 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो आपको हर एक का टिकट लेना है यहाँ पर एंड उसके बाद में ये जो है ये है वेटिंग रूम। सो अगर आपको वेट करना है या फिर कोई लाइन में लगा हुआ है तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। एंड यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, सो यू कैन सिट हेयर एंड रीड अबाउट हिम। और उसके बाद में आप आगे जाते हैं और क्योंकि यहाँ पर मंदिर भी है तो आपको स्लीपर्स अलाउड नहीं है, तो आपको अपने शूज़ और अपने स्लीपर्स उतारने पड़ते हैं। एंड अंदर आपको मिल जाता है रखने के लिए, वहाँ पर उन्होंने शूज़ काउंटर बना रखे हैं, तो आप वहाँ पर दे सकते हैं टोकन लेकर, वहाँ पर अपने शूज़ रख सकते हैं। ये जो साइड में लाइन जा रही है ये वापस वाली फेरी के लिए है, जिन लोगों को वापस जाना है यहाँ से। सो मैं इस व्लॉग में आपको बहुत डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ रॉक मेमोरियल के बारे में, इसके लिए मैं आपको सेपरेट एक वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आपको डिटेल में हिस्ट्री और पूरा का पूरा डिटेल दे दूँगी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की। सो मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उसको डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। सो मेरे पास अंदर की फ़ोटो नहीं है तो मैं गूगल से निकाल के आपको अभी फ़ोटो दिखाने वाली हूँ स्टैचू की। एंड ये है स्टैचू के जस्ट बगल से आपका एग्जिट पॉइंट एंड यहाँ से सामने इंडियन ओशन। ये जो सामने आपको रूम्स दिख रहे हैं दे आर असेंबली रूम्स, असेंबली हॉल्स हैं। वहाँ पर आप एक ऐसे मेडिटेशन सेंटर है और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब वहाँ से अंदर आके, तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर बैठे। पैर जल रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट मैं आपको गर्म पत्थर है। यहाँ पर जो वाइट लाइन दिख रही है, वाइट लाइन के ऊपर चलते हैं। वाइट लाइन ठंडी है, पेंट हो रखा है। सो हमने देख लिया है सब कुछ अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल में और अब वापसी का हमारा टाइम आ गया है।
बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो अगर आप प्लान करते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आइए, उस टाइम पे सब जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, तो आपको ये पैर नहीं जलने पड़ेंगे जैसे हम सिर्फ वाइट लाइंस पर ही चल पा रहे हैं। आप स्पेशल टिकट सिर्फ वन साइडेड है, आपका पागल बना रहे हैं यहाँ पर भी, जैसे कि पूरा कन्याकुमारी लूट रहा है ऐसे यहाँ पर भी लूटी जा रही है। सो एज आई सेड कि वन साइडेड टिकट था, तो जो वापसी थी उसमें हम लोगों को भी बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा एंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सो ये जो इसके नीचे आपको पूरा बहुत लंबी लाइन आपको मैंने ऊपर से दिखाई थी ना, उसमें खड़े होके हम लोगों ने वेट किया, आसपास के जो नॉर्थ इंडियन लोग हमें मिले थे उनसे बात की खड़े खड़े एंड फ़ोटोज़ क्लिक की, एंड आप देख सकते हैं मेरा मेकअप जो कि पूरा मेल्ट हो चुका है और बहुत हालत हमारी ख़राब दिख रही है। सो वी वर जस्ट वेटिंग हम कैसे जाएं और वापस कुछ खाएं और सोएं। तो हमें फेरी मिली, हम जल्दी से फेरी में बैठकर वापस चले गए और जाकर हमने पिया वहाँ पे गन्ने का जूस और उसके बाद हम निकल गए हैं खाना खाने के लिए। सो फेरी के काउंटर से ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये मारवाड़ी पंजाबी ढाबा। तो यहाँ पे ये दो रेस्टोरेंट हैं जहाँ जो नॉर्थ इंडियन खाना आपको देते हैं एंड द टेस्ट इज़ ऑल्सो लाइक नॉर्थ इंडियन ओनली। तो छोले का टेस्ट छोले जैसा आएगा, पनीर का टेस्ट पनीर जैसा, सांभर जैसा नहीं आएगा। सो यहाँ पर आप आ सकते हैं अगर आप कुछ नॉर्थ इंडियन खाने को ढूंढ रहे हैं एंड काफ़ी भीड़ रहती है, आप देख सकते हो कि बाहर तक लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग जाके जल्दी से अंदर बैठे एंड हमने ऑर्डर की वहाँ पे पूरी एक प्रॉपर थाली। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट इन द थाली। Yes, of course. My life is all about cribbing for food. That is true. So true. I live to eat. That is all the truth. सो रॉक मेमोरियल पर ही हमें शाम हो गई थी, तो हम लोग जल्दी से जो हमने लंच किया और उसके बाद हम लोग होम स्टे पहुँच गए। पहुँचते पहुँचते हम लोगों को ऑलमोस्ट 5:30 बज गए थे, तो उसके बाद जाके थोड़ी देर में ही हमारा ऑफिस स्टार्ट होने वाला था, तो हम लोग अपने ऑफिस में लग गए और कुछ और जगह नहीं जा पाए। तो ये था हमारा डे वन एंड ये है हमारा रात का 12 बजे का डिनर। सो अब ये अगली मॉर्निंग हम लोग निकल रहे हैं कन्याकुमारी से वापस, हमारा कन्याकुमारी का सफ़र यहाँ पर ख़त्म हुआ और हम लोग अब जा रहे हैं रामेश्वरम। सो हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव।